बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिल्मीज रोज के साथ आपका खादिम मसूद ख्वाजा और मेरे साथ है हमेशा की तरह बारिका। बारिका क्या होता है? सक्सेस, कामयाबी। कामयाबी बस कामयाबी। जो हमें देख रहे हैं, जो व्यूज हमें देख रहे हैं करोड़ों की तादाद में, जो घरों में बैठे हैं या दुकानों पर बैठे हैं, नाई की दुकान से प्रेसिडेंट हाउस तक जो बैठे हैं, उन्हें आपने कुछ सलाम दुआ नहीं करना? ओहो, आप मुझे मौका ही नहीं देते। मैं तो मौका देता हूँ, आप मौका ले नहीं रही हैं। वेलकम व्यूअर्स, ये क्या है? वेलकम व्यूअर्स, ये क्या है? स्टाइल, एक्स्ट्रा, यू नो, और वॉच का बड़ा स्टाइल हिट होया है। मेरे मन में तो घुस रहा है, एनजी कर दे। हाउ, लेकिन दिस इज सो बैड। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं बारिका हूं, बारिका। ये बारिका, अल्लाह ताला आपको बारिका को मुबारका करे जी। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, एक तो आपका शुक्रिया जी। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, 0512331676 ये हमारे नंबर्स हैं। और चिल विद रोज, रोज के साथ एंजॉय करने, चिल करने दियो। कहते ना, चिल मारो, चिल मारो। पहले होता था दम मारो दम, वो दम खत्म हो गया, अब हमने चिल कर दिया, यू नो। तो बारिका, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारे लिए, या ये जो एक हफ्ता पूरा गुजरा? जो बहुत जबरदस्त, इसमें वैलेंटाइन्स भी था, इसमें मौसम भी चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, कुछ तो बाहर बाहर सी लग रही है। माइंड चेंज किया किस बारे में? कोई भी बंदा माइंड चेंज करता है, बंदा कहता है ना यार आज रात के रोटी नहीं खाती, तो माइंड चेंज करके बंदा कहता है एक फाका कर लो। नहीं नहीं, फाका तो मैंने नहीं करना, मैंने बस बारिका बारी बारिका बड़ी करोड़पति लड़की है जी। अच्छा, करोड़पति लोगों ने बड़े बड़ी खूबियां ने, ये अपनी बीवियों नु डाइटिंग करा करा के मरवा देते हैं। जितने गरीब लोग होते हैं ना, यकीन कीजिए नाज़रीन, जितने गरीब लोग होते हैं, इनकी बीवियां जब भी कोई फौत हो, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, तो हैज़े ना लगेगी की होया, दो हदवाने फालतू खा ले सन, एनी रोटियां पराठे खा ले। से कभी कोई मरा है? नहीं, डाइटिंग से नहीं मरता, लेकिन भूख से। वो कहे ना, बेगम कहेगी ना एक किसी को, डिफेंस वाले को, एक्सक्यूज मी, मेरा चॉकलेट खाने को दिल करता है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मोटी हो जाएंगी, मेरा आइसक्रीम खाने को दिल करता है। नहीं, वो तरीके से मरवा देते हैं, डाइटिंग से दूसरे मरते हैं, दूसरे मरते हैं। आज के प्रोग्राम में जी बड़े कमाल कमाल लोग हैं। इस बंदे का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, जो आज हमारे रोज की शान है। आज ढोल एक ऐसा हथियार है म्यूजिक में, मैं हथियार इसलिए कहता हूं कि बड़े से बड़े दुश्मन को उसके रिदम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बजाने वाला, बजाने वाला आप जिस तरह आप बीन के साथ नाग को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह ढोल बजाने वाला उसे नाग भी कह सकते हैं और उसे बीन भी कह सकते हैं। दोनों उसके अंदर ये चीजें खासियत होती है। फोक गाते हैं तो कमाल गाते हैं, दुखी गाना, मैं हमेशा कहता हूं कि दुख की तरफ लेके जाते हैं तो कमाल, सुख की तरफ तो लेके जाते हैं, क्योंकि बाहर की निशानी ढोल है। और हमारे पास फखरे पाकिस्तान शौकत अली। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शौकत साहब, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और शौकत साहब के साथ जो एक खातून बैठी हैं, नई आर्टिस्ट हैं, मगर बहुत कमाल, आपको भी पता है, माहम क्यानी तो है, लेकिन माहम क्यानी की खूबियां ये है कि ये कॉमेडी भी बड़ी अच्छा करती है, ड्रामे में बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने किए, लोकल लैंग्वेज के ड्रामे किए। आज हमारी मेहमान है, और रोज टीवी का जो हमारा ड्रामा है क्रेजी फैमिली, उसका हिस्सा भी। अस्सलाम वालेकुम माम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप बहुत अच्छी मॉडल है या एक्ट्रेस? एक्ट्रेस। क्यों? मुझे शुरू से शौक था। शौकत अली हमारे पास मौजूद है। शौकत साहब, ऐसा कोई अवार्ड नहीं, ऐसा कोई सुर नहीं जिसमें आपने काम नहीं किया हुआ। पहले आपको बड़े बड़े आपके नाम है, जैसे शौकत अली, आपको फखरे पंजाब भी हम कहते हैं, तो क्या कहिए वैसे, क्या क्या नाम दिए हैं लोगों ने आपने, जरा मोहब्बत में जो है? ये बस हमारे पाकिस्तान की मोहब्बत है, प्यार है। हम जब 7 जाते थे ना, तो वहाँ पे ये लाल शाहबाज कलंदर की नौबत इसे बोलते थे, और हम भी बोलते हैं और नौबत बजाते हैं माशाल्लाह। और उसके बाद वहाँ से जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ है। और उसके बाद पहले जो है सखी सरवर लाला ने सरकार पे, वहाँ से ये ढोल जो है ना वो शुरू हुआ है, और वहाँ ही बजाने लगे हैं। उस तो बाद
कि ये पूरी पाकिस्तान नहीं पूरी कंट्री पूरी वर्ल्ड च गोरे अंग्रेज सब ने इन इस नौबत नु पसंद किया है और बहुत लोग जड़े गोरे ने खुश होए ने खुश हो ढोल रिदम ही है रिदम है अच्छा खाम खा दिल करता है कि भैया नचे चलांगे मारे दिल में कुछ बाग बाग फूल फूल से खिल जाए और आपने तो देखा है लोग विरसा में आप देखिए ना कोई ऐसी जगह नहीं है ऐसे रोक नहीं सकता बरकत कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इन्होंने परफॉर्म ना किया हो लेकिन ढोल की बातें तो बड़ी होनी है हाँ। हमसे बड़ी बातें होनी है बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ सुने भी आजकल आप गा बड़ा कमाल रहे हैं जी बेशक थोड़ा जा कोई गाना गुना भी हो जाए उस्ताद आरिफ लोहार का शागिर्द हूं अच्छा हां ये बड़ी मैं गल करनी है ये बात हमने भी पूछनी थी हर बंदा एक बड़े बंदे का कहता जी मैं शागिर्द हूं बड़े बड़े शागिर्द तो अभी पता नहीं मेरे बड़े हुए ने लेकिन शौकत साहब आप तो सुचल आरिफ के जी बेशक अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी गुड शक्र हुई है और मेरे उस्ताद जी अल्लाह ताला उनको सलामत रखे बच्चों के साथ मेरी दुआएं हैं उनके साथ उन्होंने हमारे पे खास ओरिजिनल मेहरबानी की है और ये वाहिद आदमी आरिफ जो मेरे प्रोग्राम की कंपेयरिंग भी कर चुके हैं जी ऐसे और हमारे प्रोग्राम में वो जिस तरह वो आता है मोहब्बत वाला और ले जी पहला गाना आरिफ लोहार साहब देना इंशाल्लाह डन हो गया जी पहले मैं एक मालिक का नाम उसके बाद फिर इंशाल्लाह जरूर अल्लाह अल्लाह बोलो बंदे हाय अल्लाह अल्लाह बोलो यकीन करें ये अगर मेरे साथ ये कान में ये माइक ना लगे होते मैंने खड़े हो होके तालियां बजाने थी मजबूरी समझे लेकिन आज से कोई कसर नहीं छोड़ी
यार ये अल्लाह की रहमत है ना। हाँ। आप गौर किया कितना इन्वॉल्व होके गाता है ये बंदा, बहुत डूब जाते हैं। कैसा लगा तुम्हें? बहुत, दिल को छुआ भी और दिल को उछाला भी। अच्छा, गाने की तरफ आप बाद में आए है ना, जी जी। देर क्यों लाई इतनी सुरीले काम सी, इतनी देर क्यों लाई? बस शौक तो बड़ा पुराना सी ते बस होया देर नाल पूरा है। हाँ पूरा। अच्छा, और बड़े मजे की बात है कि अपने गुरु का नाम अपने आरिफ लोहार, मेरा जिगरे खास है। आरिफ साहब एहो जे शिगिर्द अल्लाह तुम होर नसीब करे, क्या बात कर रहे हैं। गेटअप बिल्कुल आरिफ साहब जैसा है। वो अरे? तो हमारे माई बाप है। वाह 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 यार, ये अच्छी गल है। इसके लिए आप जूतों के खाक बराबर भी नहीं है, वो तो हमारे मालिक है। अरे 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 बड़ी बात है महम, ये आपसे उनकी मोहब्बत का इजहार है। महम आपसे भी हम मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं। ये डायरेक्टर तुम ड्रामों में आई या कोई और काम पहले किया? मैं पहले टीचर थी, उसके बाद टीचिंग करती रही। फिर तो हादसाती तौर पे आई होंगी। टीचिंग में या हमारे शोबे में? मुझे नहीं समझ आ रही, पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा। हाँ। टीचिंग करती रही। टीचिंग तो बड़ा कमाल है, क्यों छोड़ा आपने? बस फिर जब एक्टिंग की तरफ आई तो फिर छोड़ना पड़ गया। अच्छा, लाइव कॉलर है, बातें बड़ी करनी है हमारे साथ। लाइव कॉलर जी, पहला कॉल लेते हैं जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर काजी साहब जी। बिस्मिल्लाह, कौन साहब कहाँ से? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ काजी साहब, कराची से। जी बिस्मिल्लाह, कराची से रिजवान भाई, क्या कहेंगे? शौकत अली फख्र है पाकिस्तान मौजूद है। मुझे बहुत पसंद है। अरे शौकत साहब पसंद है, क्या कहेंगे, ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं, अल्लाह की रहमतें हैं। कल्चर जो पाकिस्तान में कल्चर है, इस ढोल के साथ इसको जो आपने इनवाइट किया, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। और प्लीज इस तरह के जो हमारे मेन सिंगर हैं उनको सामने लाने की कोशिश कीजिए, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जान कराची से। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी तारीफें कर रहे हैं जी और मजे से बातें हो रही हैं। अपना कमर इधर ही रहना बेटा, जाना नहीं। अच्छा माहे, ये बताओ एक्टिंग में आ गई, कॉमेडी करना अच्छा लगता है या हर ड्रामा ही ठीक है? कॉमेडी, कॉमेडी करना। वैसे कुड़ियां तो आजकल कॉमेडी ही कर रही हैं ने, आम जिंदगी च भी। कितना अर्सा हो गया इस काम को? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल, और 1.5 साल में अगर हम जानते हैं तो इसका मतलब है कि शी इज वेरी पॉपुलर। मेरा एक सवाल जी प्लीज, आपने टीचिंग की, अब अपनी एक्टिंग से क्या सबक सिखाएंगे? एक्टिंग से सबक सिखाएंगी? बिल्कुल। सबक क्या सिखाना है इसमें, एक लोगों को हमें दिया जाता है एक्ट करने के लिए रोल, तो वही हमारा सबक होता है जो हम एक्ट करके दिखाते हैं। यही मैं पूछ, टीचिंग में आप एक क्लास में बताते हैं कि प्यारे बच्चों झूठ नहीं बोलना। हाँ। बच्चे को आप उसके सर पे कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना। हमारा ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है जिसमें गाना भी आता है, म्यूजिक भी आता है, ड्रामा भी आता है, आप इनको करके बताते हैं तो उसका मजा ही हो रहा है। यही मैंने इनसे पूछा। और ये जो सूफीज्म है ना जिसमें ये लोग बड़े माहिर हैं, ये रूह में उतार देते हैं। लाइव कॉलर है जी, उसके बाद मैंने पूछना आपसे कि लोगों को कैसे किस तरह के गाने गा के सुनाते हैं। लाइव कॉलर जी, आप सब बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, के आने मजबूर बोलना जी, बोला रिपोर्ट दो जी। भाई साहब मंजूर बोलना पे कोर नहीं बोला तो के हाल ने जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। नीचे स्पीकर में आवाज दें जी। भाई साहब जी, भाई साहब मंजूर बोलना पे, के हाल चाल ने? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी। मंजूर साहब के हाल है? हजारे तू कॉल आई है, पंजाब दे फखर बैठा है। के आखदे कौशल, कैसा लगता ने? ओहो कहना, सब तो पहले तो जरा ये ऑडियो इंजीनियर ना पूछो ना, आवाज वाला मसला सही करे। यकीन मनो के मैं बहुत शुक्रिया नजीब साहब, मैं माफी चाहना आपकी बात जरा काटनी पड़ी क्योंकि जरा आवाज हमारे पास क्लियर नहीं है, लेकिन माजरत के साथ। लेकिन आपने तारीफें की हैं सबकी और आप हमेशा दुआएं देते हैं लोगों को समझाने वास्ते। मैं पंजाबी बोलांगा, जरूर बोलांगा, तुहाडे नाल साडी जबान हैगी हर जगह सी। लोगों को समझाने वास्ते जो गाने तुसी गांदे हो, जो फोक रंग तुसी लैके आंदे हो, जो सूफीज़म लैके आंदे हो, उसका मजा बड़ा आंदा है। जी सर, किस तरह जरा थोड़ा जहा कुछ ऐसा जरा लोगों को समझाने वास्ते होवे। सर वेखो, एक जिस तरह मसलन के साडे पंजाब दी एक सखाफत है, हुण ते लोग सखाफतां काफी भुल गए ने। बड़ी बड़ी हुण अगे साडियां तीआं पहना सलवार कमीज पहनदियां सन, अज ओही साडियां तीआं पहना जिहड़ियां पेंटा शर्टां पांदियां। पेंटा शर्टां इत्थे वी पाईआं ने असीं, वैसे गल हां जनरल गल कर रहे हां जी। यानी के साडे पंजाब दा कल्चर जिहड़ा नो पिछे जा रहे, पिछे चला गया।
ते पेंटा शर्टा आगे आ रही लेकिन पेंटा शर्टों में नहीं कलर वो यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं आपकी बात, अच्छा उनका मकसद को तंज करना नहीं है, सिर्फ पंजाब नहीं सिंध बलोचिस्तान कोई भी साडे कल्चर में वो चेंज आया है। बिल्कुल वेखो ना साडा एक पंजाब का कल्चर है, पहले जमानिया दे विच इस तरह लोग पग बनते सन, कुर्ता खुला पहनते सन, थले लख दी खुसा, एक साडे पंजाब दा जिहड़ा कोई अच्छा चौधरी हुंदा सी ओह पा के अपने रिश्तेदारां ते मिलन जाना, या मतलब अपने अच्छा फिल्मां च जिहड़े पांदे सन ना चौधरी ओह वी बड़े अहि चीज़ां पवांदे सन जी बिल्कुल सन। ते हुण माशाल्लाह साडे इक पंजाब दी रस्म है बड़ी पुरानी, मसलन जले बंदे तियां दी शादी करदे सन ते उत्थे जदों डोली निकलदी सी ते ओ बेटियां मिलदियां सन ओ सहेली नूं, मतलब है कि उस तरह करके निजाम हुंदा सी, डोलियां निकलनियां, डोलियां चुक के कहार नहीं जांदे सन, कहार लेके जांदे सन ते हमारी रिवायत। हां ते हुण गड्डी बूहे च आ जांदी है ते एक मिनट नहीं लगदा ते ओ पे जांदे। अच्छा तकरीबन अच्छा उठते बल्कि उठते मेहंदियां भी इकट्ठी होने लग पई जाओ ना जी, ते शुक्र करो बरात इकट्ठी नहीं हो रही कि जी असि की लैके आईए कुड़ी कली पा रही तुहाडे। अच्छा हुण असि दुखी नहीं होना चाहता, मजे की चीज थोड़ा हो जी थोड़ी जी ठीक हो गया, सारे मजे का काम है जब माहौल साडा हो गया हो गया। असी सजरे फुल गुलाब दया जी, असी सजरे फुल गुलाब सजरे फुल गुलाब दया जी। सजरे फुल गुलाब दे गुलाब दे है ना, ये वाकई सुचल तुसी लोग हैगे
यकीन करो बड़ा काम किया, दुनिया जानती है मसूद खाजा नूं, लेकिन जो काम तुसी सीख के आंदे हो असीं तुहाडे पासे दे नहीं गए, यकीन करो एडे वड्डे कमाल लोग हैगे। मैम कैसा मजा आया? बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? जबरदस्त, ढोल चीज ही ऐसी, ढोल चीज। आप ये देखें कि लोक विरसा हमारे पास है, हमारे पास नेशनल काउंसिल है, आर्ट्स काउंसिल्स हैं। अच्छा, वो लोग ना फनकार किसी भी शोबे के उनकी ख्याल ही नहीं कर रहे। अच्छा, ढोल वो वाहिद म्यूजिक है, बहुत तरह की म्यूजिक है जो इंसान को पुरौनक कर देती है। पुरौनक तो कर देता है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि काउंसिल्स ख्याल नहीं कर दिया, की कर दियो, क्यों नहीं कर दे इस आर्ट की प्रमोशन के लिए? प्रमोशन है, ख्याल क्यों नहीं करती? बस ये फिर बड़े लोग ने नहीं भी पहचानते। अच्छा, तुसी अपने दोस्तों को बचा जाते हो क्योंकि तुहाडा ख्याल वो करदे ने, लेकिन बड़ी वैसे मतलब तकलीफ होंदी है बाज़ का, कोई बंदा बीमार हो जाए, क्लर्क को लेके वज़ीर-ए-आज़म तक बीमार हो जाए तो उन तनखा मिलती है, उसका इलाज भी है। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੋ ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਫੈਸਲ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਖੁਦ ਇਹ ਖੁਦ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਫੇਵਰਿਟ ਕੌਣ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇ? ਮਹਮ ਚਾਲੀ ਸਾਦੀਆ ਇਮਾਮ, ਮਤਲਬ ਇਮਾਮ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਾਮ, ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ कि एक्टिंग में आपने किस रोल को सबसे ज्यादा एंजॉय किया? एक्टिंग में मैंने जितनी भी आपने की, कॉमेडी उसकी कोई खास वजह? ये मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, कॉमेडी करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो क्रेजी फैमिली है हमारा ड्रामा, उसमें भी आप हमारा मेन कर रही हैं, उसकी खास बात क्या है? उसमें कॉमेडी ख्वाजा मसूद साहब रोज टीवी जी। और मजे की बात है कि रोज टीवी ऐसे करके पर्दा खुलता है तो लोग रोज टीवी देखते हैं, फिर हमें देखते हैं। अच्छा जी, एक ब्रेक करनी है जी, ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक जाएंगे हम ढोल के साथ, जरा ढोल वापस आएंगे तो शौकत अली, जिस वजह से शौकत अली सुरों का बादशाह जो ढोल के जरिए लेके आता है, ढोल भी बजाएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक करेंगे ढोल के साथ।
रिदम देखना इसके है। मौसम के साथ ढोल की थाप ने क्या मजा दिया। चाहे चैनल हो चाहे रेडियो हो हर जगह आप हैं, लेकिन जितना आज रोज न्यूज में मजा आया है, मेरा पूरा स्टाफ तारिक साहब हमारे हेड से लेके उमर साहब जितने लोग हैं, कैमरे छोड़ के उनका बस नहीं चल रहा था। हर बंदे का मैं शिनाख्ती कार्ड चेक करांगा कर जिन्ना उन्ना चले सन। यार जिला मूड ताजी अखा बंद करके और जो मुस्कुराहट है, एक आंखें बंद करके आप बजा रहे हैं और एक अंदर एक मुस्कुराहट है, इसको कहते हैं काम का मजा लेना। कि ना जाय कर दियो अपने काम नु, जरा दसो का ए सर मेरी सरकार दे करम ने मुर्शिद झूले लाल दे जदों ही सरकार दी नौबत गल च हुंदी ते सरकार दा वीरस जारी हुंदा है, ठीक है, और अंदर एक जड़ा कलब हुंदा है ना, चल रहा हुंदा है, उधरों तार बड़ी वड्डी जुड़ी हुंदी मुर्शिद दी झूले लाल सरकार दी, तो फिर वो उस रिदम दे विच होके ना, तो फिर सरकार दा रिदम जो है ना वो दिल ते सवर होता है, तो फिर रिदम नु जड़ा है सरकार दा नाम दे शुरू कर दे। बच्चियां च केड़ा ऐसा बच्चा जड़ा कहंदा जी कि मैं खानदान दा बच्चा भतीजा पांजा होए अपने बच्चे हो कि मैं जी सिखणा ताडे कोल और मैं जनाब अगे जाना है काम पे। हां जी ओ माशाल्लाह मेरे बेटे आमर साहब और मेरे शिगिर्द भी ने अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, और उन्हां दे वजान दे अंग तो पता चल रहा सी कि तीखे तीखे नैन एक किसी नाल मिलते ने। अच्छा चलो टाइम साढ़े को बड़ा थोड़ा है लेकिन पता ही नहीं चलिया नहीं देर गुजर गई है जी, होर टाइम है साढ़े को। माहम एक सवाल करना चाहता हूँ, डोल के बाद कोई बात ही नहीं बनती कि बंदा किसी आपस में भी बात करे, मतलब मेरे रूह नहीं कर रहा कि मैं बारका नाल गल करा मैं उसकी वजह ना कि डोल के बाद
दिल अंदर से इस तरह का वो एंजॉय कर रहा है, क्या फीलिंग है इस वक्त? आप फ्रेश हो गए इनके ये ढोल के जो थाप है, जो रिदम है, अच्छा गम बुला देता है, मुझे धमाल में ले जाता है बंदे को। मतलब अब बाता तो मैंने बड़ी मुश्किल से बिठाया, मैं धमाल डालने लगी थी, धमाल डाल पीछे से बांधा है इन्होंने मुझे, बिल्कुल बांधा है, देख ली। और हमारा चैनल रोज चैनल जाब्ता अखलाक की बड़ी पाबंदी करते हैं, इसलिए हमें बांधना पड़ता है। अच्छा वैसे आपस की बात है, कभी दिल किया? आजकल तो लड़कियां भी बहुत ढोल बजा रही हैं, लड़कियां बजा रही ज्यादातर, बंदे तो बड़े कम रह गए, बंदे वो जो रह गए उन्होंने ही तो आगे चलाना है। हाँ, कोई अच्छा आजकल लड़कियां बड़ा शौक में आ गई हैं, कितने के शागिर्द ने माशाल्लाह? सर मेरे माशाल्लाह काफी शागिर्द ने, और ओदे विच चाइना में गया सब बीजिंग, उत्थे एक लड़की स्टाइलर हाँ वह मेरी शागिर्द हुई सी, उस तो बाद एक मेरी फिल्म की शूटिंग हुई सी इत्थे लाहौर जिथे ना दूसरा की उन सदे ने आने नहीं मच्छी बाजार च। अच्छा अच्छा उत्थे भी एक लड़की मेरी शागिर्द हुई सी, वो मेरे नाल भी एंडी को लंबी सी। अच्छा मुझे शागिर्दी में लेना पसंद करेंगे? शागिर्दी वैसे थोड़ा बहुत रिदम बड़ा जरूरी है, गुलूकारी आम काम नहीं, ये पहलवाना दी 200 पहलवाना दी ताकत है। इस तुम बाद गाने की फरमाइश नहीं आती, लेकिन मैं चाहना कि प्रोग्राम च आखिर च एक गाना होना जरूर, ठीक है ना जी? नाज़रीन आज का टोटल, आज का रोज न्यूज का तमाम दिन शौकत अली के नाम, एक लाइव कॉलर है जी, कॉल लेते हैं उसके बाद गाने की तरफ चलते हैं। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब राजा सत्तार अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। राजा सत्तार हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा आर्टिस्ट जी, राजा सत्तार साहब क्या कहेंगे? भाई साहब यकीन करे कि मैं कोई आधा घंटा हॉल पे रहा हूँ और आपका ढोल सुनता रहा हूँ और साथ साथ डांस करता रहा हूँ, और मैं और मुझे पता है जब पहला वक्फा होना था उस वक्त आपकी कॉल होल्ड करा, ये मेरी गलती है, लेकिन तुम करोड़पति आदमी ऑर्गेनाइजर हो, जल्दी से बताओ शौकत अली को कब बुला रहे हो अपने शो में? मैं कहता हूँ खाई साहब इंशाल्लाह अगले महीने ये भी होंगे साथ और आप भी सरप्रस्ती करेंगे हमारी वहाँ पे, इंशाल्लाह डन हो गया जी, केवट तो मिले ना रोज की तरफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सत्तार साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, मैं उम्मीद कोई नहीं दे, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी खुशी, ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा, बारिका जो आपके साथ को होस्ट है और जो आपने महम बुलाई है, बड़ा मजा आया सारी बातें सुन के आपकी, बहुत शुक्रिया, लेकिन वो जुहैब जुहैब से कहिएगा कल 4 बजे तक पहुंचा दे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लो जी नाज़रीन मेरी तरफ से मैं अभी कहूंगा बारका, मैं और आप मौजूद हैं, माहम आप तो हैं मुहतर हैं, जिसको आज ये रोज न्यूज के लिए बड़ी दूर का सफर करके आए हैं, थकावट उन्होंने वापस भी जाना है। इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे, आपकी लाइव कॉल्स लेते रहेंगे, अगली बुक तक के लिए मुझे बारका को इजाजत, माहम आपका बहुत शुक्रिया और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि आपकी इतनी मोहब्बत का हम शुक्रिया अदा कर सकें। इंशाल्लाह रोज न्यूज के हर काम में आप मौजूद होंगे और चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन खत्म गाना और ढोल के साथ होगा, ये हो नहीं सकता। जी खान साहब जावा सदके गले दिए हसीए, जावा सदके निजावा सदके गले दिए हसीए, झुग्गी पारल कठिया वसे नेक फुल मोती दमार के
बाजार बका दिया छुरियां बाजारे।